वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, 17वीं वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 12th विषय जीव विज्ञान। ध्यान देना, प्रीवियस टॉपिक में हमने छोटी आंत्र के भाग ग्रहणी में पाचन क्रिया का अध्ययन कर लिया था। तो ध्यान देना, ग्रहणी में पाचन, भोजन का पाचन लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। ग्रहणी में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है और पाचक रसों के मिश्रण से भोजन और अधिक तरल हो जाता है। पाचक रसों के मिश्रण से भोजन और अधिक तरल हो जाता है और उसकी टाइप चेंज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, काइल। ध्यान देना, मुख ग्वाह से जब भोजन आता है तो बोलस, उसे बोलते हैं बोलस। और जब आमाशय में भोजन का पाचन होता है, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अंश रूप से, तो चेंज हो जाता है कौन सा, काइम। अब काइम रूपी जो भोजन होता है वो ग्रहणी में आता है। ग्रहणी में पितरस और अग्नाशय रसों के पाचन के फलस्वरूप भोजन का जो प्रारूप होता है वो चेंज होता है, उसे बोलते हैं काइल। तो लगभग इसमें पूर्ण हो जाता है। और अब दूसरा भाग आता है क्षुद्रांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र, जो छोटे आंत्र के ही भाग होते हैं। तो इनमें जो कुछ शेष बचता है भोजन का, अपचित जो होता है भोजन, काइल नामक भोजन, उसका और भी पाचन हो जाता है। और अवशोषण क्रिया, भोजन के अवशोषण की क्रिया भी कहाँ होती है, छोटे आंत्र में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो आप देखिएगा छोटे आंत्र में पाचन, मैंने आपको हल्का से इसमें लिख दिया है ताकि देखना ढंग से कि क्षुद्रांत इलियम में पाचन। ध्यान देना, मानव की क्षुद्रांत्र जो कि छोटे आंत्र का भाग होती है, छोटे आंत्र मान लो इसको, कि एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं, ध्यान देना क्षुद्रांत्र की भित्ति में एंटेरोकाइनेज कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा क्षारीय प्रकृति का आंतरिक रस स्त्रावित होता है। जिनके द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है बेटा, क्षारीय प्रकृति के आंतरिक रस का स्त्रवण किया जाता है या स्त्रवण होता है, जो काइल से मिल जाता है। जो काइल नुमा भोजन होता है किससे आता है, ग्रहणी से। ध्यान देना, छोटी आंत्र कुंडलित होती है बहुत अधिक मात्रा में, और काइल से जो भोजन आता है उससे इनके द्वारा, किनके द्वारा, छोटी आंत्र की या क्षुद्रांत्र की एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से स्त्रावित कौन सा रस, आंतरिक रस के साथ काइल मिल जाता है। और आंतरिक रस में उपस्थित अनेक एंजाइम, जो आंतरिक रस में अनेक एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा काइल नामक भोजन का जलीय अपघटन कर दिया जाता है। ध्यान देना, इसमें लिखा रहा है आपको कि आंतरिक रस में उपस्थित अनेक एंजाइम इस काइल नामक भोजन का जलीय अपघटन कर देते हैं। अब ध्यान देना, आंतरिक रस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान देना, इस आंतरिक रस में जल, श्लेष्मा, लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जैसे आप देख लीजिएगा, सुक्रेज, सुक्रोज का क्या करेगा, पाचन करेगा। सुक्रोज क्या है, डाई सैक्राइड, तो इसको किसमें तोड़ेगा, ये मोनोसैक्राइड में। ध्यान देना, सुक्रोज का सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम के द्वारा, इसी प्रकार आपको आ जाएगा लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, डेक्सट्रिनेज एंजाइम का अल्फा डेक्सट्रिन शर्करा का पाचन किया जाता है। इसी प्रकार आपको पेप्टाइड है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे देखो सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज, एमिनो पेप्टाइडेज, एमिनो अम्लों का पाचन करेगा पेप्टाइड का, क्या बोलते हैं, प्रोटीन का डाइपेप्टाइडेज, और आंत्रीय लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा निम्न प्रकार से पाचन क्रिया को पूर्ण किया जाता है। एक बार दोबारा देखें आप लोग कि आंत्रीय रस में जल, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जल, श्लेष्मा, लवण, एंजाइम। एंजाइम में आपको सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, अल्फा डेक्सट्रिनेज एंजाइम, एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज और आंत्रीय लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा निम्न प्रकार से पाचन किया जाता है। तो आगे आप देखें इसमें, तो छायरस का पीएच इसमें होता है 8.5। तो इसमें जो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, जो भी बच्चे को जो भोजन का, तो सबसे पहले आप देखेगा सुक्रोज, सुक्रोज इसको गलाने वाला एंजाइम सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम, इसका जो पीएच होता है
पीएच माध्यम 8.5 क्षारीय होता है। क्षारीय माध्यम से आंत्र की एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से क्षारीय माध्यम मतलब क्षारीय रस का स्त्रवण किया जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम पाए जाते हैं, ये डाइपेप्टाइड होते हैं, कौन से वो सॉरी डाइसेक्राइड्स होते हैं दानकण। इसके टूटेगा तो क्या क्या बनेगा दानकण, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये फल शर्करा होती है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तो ये कैसे हो गए मोनोसेक्राइड जो कि अवशोषित हो जाते हैं आसानी से मोनोसेक्राइड। तो ध्यान देना सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कर दिया जाता है। इसी प्रकार माल्टोज शर्करा, ध्यान देना माल्टोज, इसमें आ जाएगा आपको माल्टेज एंजाइम, वही पीएच कितना होता है बेटा 8.5, इसमें ध्यान देना माल्टेज का आपको चेंज कर दिया जाएगा ग्लूकोज में, तो ये शर्करा ग्लूकोज शर्करा और ग्लूकोज, तो माल्टोज ग्लूकोज के दोनों मिलकर क्या बनाती है माल्टोज, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाती है सुक्रोज। तो ध्यान देना ये डाइसेक्राइड है ये मोनोसेक्राइड है। तो माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज का ग्लूकोज और ग्लूकोज में अपघटन कर दिया जाता है। इसी प्रकार आती है तीसरी लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं लैक्टोज, वही लैक्टेज एंजाइम इसको कौन तोड़ेगा लैक्टेज एंजाइम, पीएच मान कितना होगा इसका वही 8.5 क्षारीय माध्यम में, तो ये टूट जाएगी आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज शर्करा, ये मोनोसेक्राइड होती है। तो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा लैक्टोज शर्करा का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अपघटन कर दिया जाता है। इसी प्रकार आगे आपको एल्फा सीमित डेक्सट्रिन, एल्फा सीमित डेक्सट्रिन जो ये शर्करा होती है या पदार्थ होता है, पीएच माध्यम वही 8.5 और इसका जो होगा एल्फा सीमित डेक्सट्रिनेज एंजाइम, डेक्सट्रिनेज एंजाइम के पीछे हमेशा एज आता है, तो डेक्सट्रिनेज एल्फा सीमित डेक्सट्रिनेज एंजाइम ये तोड़ देते हैं आपको किसमें डेक्सट्रिन में, इसमें ध्यान देना ये सॉरी ग्लूकोज में टूटेगा ये ग्लूकोज, डेक्सट्रिन तो शर्करा है खुद, तो डेक्सट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्फा सीमित डेक्सट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्फा सीमित डेक्सट्रिन या हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं डेक्सट्रिन डेक्सट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाती है। यदि आपको टिपिकल लग रहा है तो इसको आप हटा सकते हैं आराम से, यहाँ से ये यहाँ से हटा देना, अब देखिएगा आप वही 8.5 तो ग्लूकोज में बदल जाती है। अब आप देखिएगा पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड होते हैं पॉलीपेप्टाइड ध्यान देना ये किन के द्वारा टूटेंगे, ध्यान रखना एमिनो पेप्टाइडेज ये हो गया एंजाइम वही पीएच माध्यम सब में 8.5 क्योंकि आंत्रस 8.5 होता है पीएच क्षारीय, इसमें टूट जाएगा आपको डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएगा ध्यान देना, और क्या बनेंगे एमिनो अम्ल, डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल। अब डाइपेप्टाइड ध्यान देना आगे, तो एक बार इसको दोबारा देख लें कि सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, ये मोनोसेक्राइड होते हैं और ये डाइसेक्राइड, ये जटिल पदार्थ होते हैं और ये और सरल पदार्थों में टूट जाएंगे किसमें छूदांत्र में, ध्यान देना। इस प्रकार माल्टोज माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और डेक्सट्रिन डेक्सट्रिनेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में, और पॉलीपेप्टाइड एमिनो पेप्टाइड एमिनो पेप्टाइडेज
के द्वारा डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। आगे देखिएगा, डाइपेप्टाइड किसके द्वारा टूटेंगे, पेप्टाइडेज के द्वारा। तो देखें ध्यान से, डाइपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। तो देखिए इसी कड़ी में डाइपेप्टाइड ये टूटेंगे, इसमें आपको लग जाएगा आपके डाइपेप्टाइडेज और टूट जाएंगे एमिनो अम्ल में। अब आपके बचता है एक ट्राइग्लिसराइड्स पाइसिकृत वसा, ट्राइग्लिसराइड्स इसे बोलते हैं पाइसिकृत वसा। ये आंत्रीय जो लाइपेज होता है, आंत्रीय लाइपेज एंजाइम वही पीएच माध्यम 8.5 आंत्रीय लाइपेज के द्वारा किसमें टूट जाएगी, वसी अम्ल, वसा अम्ल प्लस टू मोनोग्लिसराइड्स में अपघटित हो जाती है। तो देखिएगा जो पदार्थ बचे थे उनका आंत्रीय एंजाइम के द्वारा अपघटन हो जाता है। अब यहाँ आपका कहने का मतलब ये है, छोटी आंत्र में भोजन के जटिल अणुओं का पूर्ण पाचन हो जाता है, जैसे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। अब आगे आता है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है हमारी पाचन तंत्र क्रियाविधि में, स्टेप तक पाचन क्रिया वो पूर्ण हो चुकी है। अब आता है आपके पचित भोजन का अवशोषण। अब देखिएगा जो भोजन का पाचन हो जाता है उसका अवशोषण किन अंगों द्वारा किया जाता है और किसके द्वारा कैसे होता है। अब हम इसी कड़ी में तीसरा जो स्टेप आता है हमारा पचित भोजन का अवशोषण, ध्यान देना, स्टेप है तीसरा पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण, तो अवशोषण देखिएगा क्या है पचित भोजन का अवशोषण। इसमें देखा ध्यान से कि भोजन के सरल अणुओं या पाचित भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, इसमें आ जाएगा आपको और गैलेक्टोज, फक्ट्रोज, एमिनो अम्ल, विटामिन्स आदि का आंत्रिक उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। जो पदार्थ बने कौन कौन से बने, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, लवण और जल, इनका आंत्र की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से आंत्र जो होती है, ध्यान देना छोटे आंत्र में सबसे अधिक अवशोषण क्रिया होती है, छोटे आंत्र में सबसे अधिक भोजन के अवशोषण क्रिया होती है। तो आप देखना भोजन के सरल अणुओं, अब सरल अणु कौन से बने थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, विटामिन्स, वसी अम्ल, खनिज लवण जो भी थे, साथ थे जैसे विटामिन, खनिज लवण जल, ये तो बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं। तो देखिएगा किसके द्वारा होते हैं, आंत्रिक उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर एवं लसिकाओं में पहुंचा दिए या अवशोषित कर दिए जाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा देखें आप कि भोजन के सरल अणुओं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और आपका आ जाएगा ध्यान देना
गैलेक्टोज मोनोसेकेंड सक रहे हैं गैलेक्टोज, इसमें और आगे आ जाएगा आपको एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, इसमें आ जाएगा आपके विटामिन लवण और जल, विटामिन लवण और जल, ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज फैक्टोज गैलेक्टोज, और प्रोटीन एमिनो अम्लों में, और ये हो गया वसा वसीय अम्लों में और मोनोग्लिसराइड्स में। तो ध्यान देना ग्लूकोज फ्रेक्टोज गैलेक्टोज एमिनो अम्ल विटामिन लवण और जल, ध्यान देना आदि जल आदि का, आदि का आंत्र की उपकला कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं में, आंत्र क्षुद्रांत्र, आंत्र की उपकला कोशिकाओं से, आंत्र की उपकला कोशिकाओं से रुधिर या लसिका से कहाँ पहुँचते हैं, रुधिर या लसिका में स्थानांतरित, रुधिर या लसिका में स्थानांतरित स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, होने क्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी था बेटा अवशोषण के बारे में कि पचित भोजन का अवशोषण किसके माध्यम से किस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप, जैसे भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो सरल अणु बनते हैं या भोजन के सरल अणुओं जैसे क्या बने थे हमें, ग्लूकोज फ्रेक्टोज गैलेक्टोज एमिनो अम्ल विटामिन लवण और जल आदि आंत्र क्षुद्रांत्र, ध्यान देना आंत्र की उपकला कोशिकाओं से, आंत्र में जो उपकला कोशिकाएं पाई जाती है स्तर पाया जाता है, उपकला कोशिकाओं से रुधिर के द्वारा या लसिका में स्थानांतरित होना, रुधिर या लसिका में स्थानांतरित होने की क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। अब ध्यान देना पचित भोजन का या पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, क्षुद्रांत्र छोटी आंत्र में। तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान देना पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण क्षुद्रांत्र, क्या बोलेंगे इसको, इलियम, इलियम में होता है। तो पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कौन से अंग में होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। आगे देखो वसा में घुलनशील पदार्थ, जो वसा में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं जैसे एल्कोहल औषधि आदि आमाशय में अवशोषित हो जाते हैं, तो इनका अवशोषण कौन कहलाता है, आमाशय, जबकि वृदांत्र में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है। तो भोजन के सरल अणुओं का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण कहाँ होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। एक पॉइंट और लिखें आप इसमें, देखो ध्यान से कि जैसे वसा में घुलनशील वसा विलेय, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ, कुछ पदार्थ जैसे आपको मिल जाएंगे एल्कोहल, एल्कोहल औषधियां आदि आमाशय आदि आमाशय द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अब ध्यान देना जबकि वृदांत्र बड़ी आंत्र, जबकि
वृद्धांत्र में मुख्यतया जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है, तो ध्यान देना कुछ औषधियों का अवशोषण भी होता है इसके अंदर, लेकिन देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है, तो ये आपका पचित भोजन का अवशोषण हो गया। अब प्रश्न उठता है कि पचित भोजन का अवशोषण छूदांत्र में ही क्यों होता है। ध्यान देना, पचित भोजन का अवशोषण छूदांत में ही क्यों होता है, तो इसमें देखिएगा आप, नोट में लिखें इसको आप, इसके बारे में आपको बताएंगे अभी हम कि छूदांत्र में क्यों होता है। छूदांत्र की आंतरिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर और वलन। इन वलनों को हमने क्या नाम दिया था, केरकरिंग के वलन। और जो सूक्ष्मांकुर होते हैं उस पर ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं और जो अवशोषण करते हैं सर्वाधिक मात्रा में किसका, जिस प्रकार एक रुमाल होता है उस पर छोटे छोटे रेशे होते हैं, रेशेदार रुमाल, इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है इसकी छूदांत्र की। तो देखिएगा छूदांत्र में पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण क्यों होता है। छूदांत्र में पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है क्यों होता है, क्यों ध्यान देना। क्वेश्चन बनता है कि छूदांत्र में पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है क्यों, तो ध्यान देना कि छूदांत्र में, क्योंकि छूदांत्र में अनेक वलनों, रसांकुरों और सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति से छूदांत्र की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल मतलब 10,000 गुना व या 1,000 गुना बढ़ जाता है, मतलब अधिक बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है। ध्यान देना तो क्या होता है कि छूदांत्र की जो सतह होती है जिस पर क्या पाए जाते हैं, वलन, जिन हमें क्या नाम है, केयर करिंग के वलन, वलन है, सूक्ष्मांकुर हैं और रसांकुर हैं, तो इनके कारण इसकी सतह का जो अवशोषणकारी सतह होती है उसका क्षेत्रफल 1,000 गुना बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, छूदांत की श्लेष्मिक उपकला में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर, जो छूदांत की श्लेष्मिक उपकला में जो पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर को मिलकर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सूक्ष्मांकुर में एक लसिका, केंद्र में लसिका होती है, इसमें रसिका कोशिकाएं होती हैं जो पचित भोजन को सक्रिय अभिगमन द्वारा कहाँ पहुँचाती हैं, ग्रहण करती हैं, जिसमें आप देखें इसको मैं एक बार देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसको मैं, तो देखिएगा ध्यान से इसको, तो देखिएगा छूदांत में बता रहे थे कि छूदांत में पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, क्यों होता है, क्योंकि ध्यान देना मैंने आपको ये पॉइंट्स लिख दिए, क्योंकि छूदांत में अनेक वलन, रसांकुरों और सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति से छूदांत की श्लेष्मिका की अवशोषणकारी सतह, जो सतह होती है का क्षेत्रफल लगभग 1,000 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि छूदांत में अनेक वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति से छूदांत की उपकला की या छूदांत की श्लेष्मिका की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल लगभग 1,000 गुना बढ़ जाता है। अब देखो छूदांत श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में, ध्यान देना छूदांत श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में या छूदांत की उपकला कोशिकाओं में किसे पाई जाती है, श्लेष्मिका स्तर में, तो ये भी कह सकते हैं हम कि छूदांत श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो रसांकुर होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ध्यान देना प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका,
प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका और एक रक्त कोशिका पाई जाती है जो पचित भोजन को सक्रिय अभिगमन कौन सी विधि द्वारा, जो पचित भोजन को सक्रिय अभिगमन एवं विसरण द्वारा ग्रहण करती है। एमिनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, किसमें होता है, रुधिर में। एमिनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन द्वारा ग्लूकोज में होता है, जैसे ग्लूकोज एमिनो अम्ल विटामिन और खनिज लवण का अवशोषण रक्त कोशिकाओं में होता है। यहाँ से ये यकृत निवाहिका स्राव द्वारा कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, यकृत में पहुँचा दिए जाते हैं। तो ध्यान देना इसीलिए कि छूत्रांत में सर्वाधिक भोजन का पचित भोजन का अवशोषण होता है। किन की उपस्थिति के कारण, वलनों रसांकुरों और सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति के कारण, और प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका और रिक्तिका कोशिका पाई जाती है जो पचित भोजन का या ग्लूकोज का सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण करती है। अब आप देखिएगा तो इसी कारण सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, सर्वाधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण या पचित भोजन का अवशोषण छूत्रांत्र में होता है। अब आप देखिएगा ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, विटामिन है, खनिज लवण है का अवशोषण रक्त कोशिकाओं में होता है। यहाँ से ये यकृत निवाहिका द्वारा यकृत में पहुँचा दिए जाते हैं। तो आगे देखो आप, तो क्या समझे बेटा कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, छूत्रांत्र में होता है। मतलब पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छूत्रांत्र में होता है। क्यों होता है, क्योंकि छूत्रांत्र की श्लेष्मिका की उपकला कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, वलन सूक्ष्मांकुर और रसांकुर पाए जाते हैं जो उसकी अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल लगभग 1000 गुना बढ़ा देते हैं। और इन रसांकुरों में रक्त केशिकाएं और लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ये भोजन को अवशोषित करती हैं और यकृत में पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे ग्लूकोज का अवशोषण, ग्लूकोज कैसे पहुंचता है यकृत में, ध्यान देना। जैसे ग्लूकोज है, ध्यान दीजिएगा चार्ट के द्वारा समझो, ग्लूकोज आंत्रीय उपकला, आंत्रीय क्योंकि आंत्र कोशिका क्या होती है, उपकला होती है, तो आंत्रीय उपकला से ग्लूकोज कहाँ जाएगा, रक्त कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका, ये रक्त कोशिका कहाँ जाएगी, यकृत निवाहिका स्राव, यकृत निवाहिका सिरा, यहाँ से कहाँ जाएंगे, यकृत में पहुँचा दिए जाएंगे, यकृत में पहुँचा दिए जाते हैं। फिर यहाँ से ध्यान रखना, अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है यकृत में, अतिरिक्त ग्लूकोज किसमें रूपांतरित हो जाता है, ग्लाइकोजन में, इसमें ग्लाइकोजन में। तभी तो कहते हैं कि जंतुओं में भोजन अतिरिक्त मात्रा में कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान देना जो ग्लूकोज होता है, सरल अणु होता है, वो आंत्रीय उपकला द्वारा अवशोषित करके रक्त केशिका के माध्यम से यकृत निवाहिका स्राव द्वारा यकृत में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ से अतिरिक्त ग्लूकोज जो कुछ तो काम में ले जाता है ऊर्जा उपयोग के लिए, ग्लूकोज से क्या प्राप्त होती है हमें, ऊर्जा, ध्यान देना, ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। अब देखिएगा अतिरिक्त ग्लूकोज जो बचता है शेष, वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित हो जाता है। इसी प्रकार यदि एमिनो अम्ल, ध्यान देना, एमिनो अम्ल ये भी आंत्रीय उपकला से कहाँ जाएगा, ये वही, ध्यान देना, रक्त कोशिका, रक्त कोशिका से वही यकृत निवाहिका, यकृत निवाहिका सिरा द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, वही यकृत में, ध्यान देना, कहाँ पहुँच जाएगा, यकृत में। अब ध्यान देना यकृत में क्या कार्य करता है, एक तो बनाता है अमोनिया और दूसरा क्या बनाएगा, ये
नंदना एमिनो अम्ल प्लस क्या बनाएगा, टूट जाएगा ये एमिनो अम्ल, क्या बनाएगा प्रोटीन, जो कि शारीरिक मरम्मत काम में आती है। और जो अमोनिया होती है ध्यान देना, ये किस में रूपांतरित होती है, यूरिया में, तभी तो हम क्या होते हैं यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं हम। तो ध्यान देना एमिनो अम्ल आंतरिक उपकला द्वारा रक्त कोशिका के माध्यम से यकृत निवारक स्रव द्वारा कहाँ पहुँचता है, यकृत में। यकृत क्या कार्य करेगा, इस एमिनो अम्ल को अमोनिया में और एमिनो अम्ल में एक तो अमोनिया बदल देगा और प्रोटीन में बदल देगा। प्रोटीन से शरीर की मरम्मत का कार्य होता है और अमोनिया किसमें रूपांतरित हो जाती है, यूरिया में, इसलिए हम मानव यूरियोटेलिक प्राणी कहलाता है। तो इसके द्वारा आज यही बहुत है, इतना ही, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट में रखेंगे।